एक अननोन पर्सन 4chan पर 3 इमेजेस पोस्ट करता है 3 साल के गैप पर। वो पोस्ट एक्चुअली में पजल था और ये पजल द वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से टॉप 5 के लिस्ट में गिना जाता है। सवाल ये है, ये पजल पोस्ट करने वाला पर्सन था कौन? किसी को ये पता नहीं था। उसने जितने सारे पोस्ट करा था उसके ठीक टेक्स्ट के नीचे 4 नंबर रिटन था 3301 और उसके पिक्चर में सिकाडा का भी वाटरमार्क था जिससे उसका नाम सिकाडा 3301 पड़ा। सिकाडा जो वो पजल पोस्ट करा था वो एक्चुअली डाटा सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी पे ऊपर बेस्ड था और ये पोस्ट पूरा ही इंटरनेट एनोनिमिटी था। वो पजल इतना ही इलैबोरेट और मिस्टीरियस था कि बहुत जनों तो ये भी बोलने लग गए कि ये शायद NSA, CIA या फिर MI6 का किया तरह है। एक्चुअली होता क्या है, 5 जनवरी 2012 को 4chan के एक्स पैरानॉर्मल पेज पर एक इमेज पोस्ट होता है जिसमें लिखा रहता है, हेलो, वी आर लुकिंग फॉर हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स टू फाइंड देम, वी हैव डिवाइस्ड अ टेस्ट, देयर इज अ मैसेज हिडन इन द इमेज, फाइंड इट एंड इट विल लीड यू ऑन द रोड टू फाइंड अस, वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग द फ्यू दैट विल मेक इट ऑल द वे थ्रू, गुड लक। और नीचे ठीक वही 3301। तो ये इमेज एक्चुअली स्टेगनोग्राफी के ऊपर बेस्ड है। अगर तुम इस इमेज के टेक्स्ट को अगर नोटपैड पर लेकर जाओगे तो तुम्हें एक अलग सा कोड्स दिखेगा और उस कोड्स के नीचे एक और कोड वर्ड रहता है जिसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें सीजर साइफर यूज करना पड़ेगा। अब ये सीजर साइफर होता क्या है? बेसिकली सीजर एक इंसान था जिन्होंने 2 पैरेलल वर्ड्स को साइड बाय साइड चेंज कर इनक्रिप्ट करके दिखाया था, तो उसी का नाम साइजर साइफर रखा गया। तो जब तुम इसे साइजर साइफर से सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक पे तुम अगर जाओगे तो तुम्हें एक इमेज मिलेगा। उस इमेज में एक डक का पिक्चर होता है और हेडलाइन पे लिखा रहता है, वोप्स जस्ट डिकॉय दिस वे लुक्स लाइक यू कान गेस हाउ टू गेट द मैसेज आउट। अब तुम इस इमेज को ध्यान से देखो तो तुम्हें 2 वर्ड्स मिलेंगे, गेस और आउट। अब ये आउट गेस, अगर तुम्हें पता होगा कि स्टेगनोग्राफी क्या है तो उसमें एक मेथड आता है जिसका नाम होता है आउट गेस। अब इस इमेज को सॉल्व करने के लिए आउट गेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे मेंशन करा है। अब तुम इसे आउट गेस के मदद से सॉल्व करोगे तो तुम्हें बहुत सारे बुक कोड्स मिलेंगे, 1:20, 2:3, 3:5, इस तरह की बुक कोड्स मिलेगी। अब ये बुक कोड्स होता क्या है? एक्चुअली ये जो 1 लिखा हुआ है ये लाइन नंबर है और ये जो 20 लिखा हुआ है ये कैरेक्टर नंबर है। तुम्हें उस बुक को खोजना पड़ेगा जिस बुक में ये लाइन नंबर और कैरेक्टर नंबर मिलेगा। अब इसे डिकोड करने के लिए तुम्हें बुक भी चाहिए होगा। अब उसी के बगल में एक रेडिट का लिंक दिया गया। अब ये पजल रेडिट में चलने वाला है। रेडिट पे जाते ही हेडर पे एक अजीब सा पिक्चर दिखता है जो कि मैं बाद में बताऊंगा है क्या। उसको नीचे एक वेलकम बोर्ड है। अब सिकाडा उस सब रेडिट पे एक इमेज पोस्ट करता है जो कि देखने से होली क्रेल टाइप का लगता है, किंग अर्थर है। अब इसको तुम डिकोड करोगे वही स्टेगनोग्राफी से तो तुम्हें एक मैसेज मिलेगा जो लिखा हुआ, द की हैज ऑलवेज बीन राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, दिस इजंट द क्वेस्ट फॉर द होली क्रेल, स्टॉप मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट देन इट इज, गुड लक। और नीचे वही 3301। अब ये नीचे बिंग PGP सिग्नेचर लिखा है। एक्चुअली है क्या, ये बिंग PGP सिग्नेचर उस समय पोस्ट करा गया था ताकि कोई भी उसके नाम से गलत पजल्स इस्तेमाल न कर पाए। उस समय जब सिकाडा का नाम फेमस हुआ था तब बहुत जनों ने क्या करा, उसके नाम पे फेक पजल्स पोस्ट करना स्टार्ट करा जो कि सिकाडा को भी पता चल गया, तो इसलिए वेरीफाइड रहने के लिए उसने PGP सिग्नेचर पोस्ट करा। अब इस सबरेडिट पे बहुत सारे टेक्स्ट लाइंस है जो तुम्हें भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है क्या है। अब जाहिर सी बात है उसने पोस्ट करा तो जरूरी कुछ पजल ही हो। तो अब चलते हैं उसके हेडर पे, जो तुम्हें मैं बताया था कि इस हेडर में कुछ अजीब सा पिक्चर दिखा हुआ है। अगर तुम इसको सर्च करोगे माया मेमोरियल तो तुम्हें एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये है क्या। ये एक्चुअली माया न्यूमेरियल्स है। माया न्यूमेरियल्स के साथ तुम इसे अगर कंपेयर करोगे तो तुम्हें मिलेगा 13 नंबर का सिक्वेंस, 10, 2, 14, 7, 19। अभी सिक्वेंस जो 13 नंबर का बना है, इस ग्रुप के जो टाइटल है उस ग्रुप के टाइटल के साथ तुम अगर कंपेयर करोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली 13-13 मैच होते दिखेगा। अब तुम इस दोनों टाइटल और नंबर को पैरेलली रखोगे तुम्हें पता चलेगा कि ये एक्चुअली दर्शा रहा है 10 = A, 14 = E।
और बाकी सब जैसे। अब इसको सीक्वेंस वाइज सजाओगे तो तुम्हें मिलेगा 10, 2, 14, 7, 19, 6, 18, 12 and so on. इस नंबर को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा इस नंबर को भी एक टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है वो विग्नर साइफर के मदद से। अगर तुम विग्नर साइफर के मदद से तुम सॉल्व करोगे एग्जैक्टली 0 = A और 1 = B में तुम्हें इस तरह का एक टेक्स्ट मिलेगा जो कि ये की है। अब सब रेडिट में जो टेक्स्ट लाइन मिला था जो हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब इस की के मदद से तुम उसे डिकोड करोगे। तुम्हें टेक्स्ट के जब पहला लाइन को जो तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये एक बुक से उठाया गया है जिसका नाम द मैबनोगियन है जो थॉमस वल्फिंच ने लिखा था। ये माइथोलॉजी किताब है किंग अर्थर के बारे में। अब ये जो टेक्स्ट मिला है इस पूरे टेक्स्ट को इस बुक कोड के हिसाब से अगर डिकोड करोगे तो तुम्हें ये एक टेक्स्ट मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है कॉल अस एट अस टेलीफोन नंबर 2143909608। यहाँ पे ओ मतलब 0 है। अब इस नंबर पे कॉल करते ही कुछ इस तरह की रिप्लाई आता है। Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final .jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. ये जो मैसेज भेजा है एक्चुअली उसे 2 प्राइम नंबर्स खोजना है। अब ये 2 प्राइम नंबर्स मिलेगी कहाँ से? उसने कहा था फाइनल डॉट जेपीजे एक इमेज से एसोसिएटेड है। बहुत जनों ने कोशिश करा खोजने के लिए मगर उसे मिला नहीं। बट 2-3 दिन बाद एक इंसान क्या करता है उस इमेज के रेजोल्यूशन को परखता है। उस रेजोल्यूशन का साइज रहता है 509x503 जो कि एक प्राइम नंबर है। अब इस प्राइम नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 3301 को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें नंबर मिलेगा 8451 45127। अब कहा गया था इसके बाद .com लगाना। अब इसके बाद .com लगाने के बाद एक वेबसाइट खुलता है जहाँ पे काउंटडाउन चालू होता है। बहुत जनों को ये भी डर रहता है ये हो क्या रहा है एक्चुअली में, काउंटडाउन क्यों चालू है?